मुझे धोखा दिया गया, 26 एकड़ जमीन मेरी ले लिए गए, लेके दूसरों को बेच दिए बिल्डर्स को इन्हों के, येडियुरप्पा जी BS आज के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। क्राइम हमें किया नहीं किया, गलती नहीं, उसके बारे में नहीं बोले। ये मेरी अपील है, ये लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, ये लोग आज इट इज अभी तुरंत चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दें, यानी इंडस्ट्री जो मिनिस्टर बन रहे हैं अभी, ये मिनिस्ट्री से इस्तीफा दें, इन्हों ये चीज। मैंने 5 तारीख के जनवरी 2021 में जस्टिस हॉनरेबल हाईकोर्ट के जस्टिस जो हैं, मेरी पुरानी कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट में ये था मुझे धोखा दिया गया, 26 एकड़ जमीन मेरी ले लिए गए, लेके दूसरों को बेच दिए बिल्डर्स को इन्हों, 26 एकड़ जो अलाट किए थे सरकार से मुझे, ये अलाट का पैसा भी देना था जैसा सबको अलाट किए थे, मगर वो जमीन में जब उनसे पर्सनल बातचीत मेरी नहीं हो पाई मिनिस्टरों से और CM से, इस बात से उन्हों वो डिफरेंस रखते हुए लोगों को लैंड बेच दिए करके, वो जो मेरा क्लेम था चार्जशीट में प्रूव हो गया, वो पुलिस की चार्जशीट में 2012 में जब प्रूव हो गया था, उसको लेके जाके उन्होंने हाईकोर्ट में क्वेश्चन कर लिए येडियुरप्पा जी BS आज के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद में उसको अपील किया था हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका में 2016-17 में, ये अपील का मामला अभी आया, तब अपील में बोले तो इन्हों क्वेश्चन कर लिए भी गवर्नर का सैंक्शन नहीं, क्राइम हमें किया नहीं किया गलती नहीं उसके बारे में नहीं बोले, गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं था, सैंक्शन गवर्नर का सैंक्शन चाहिए मेरे को अरेस्ट करने, यानी ये प्रोसिक्यूशन करने, खाली वो एक ही नाम चार्जशीट में जो लिखा गया वो हमारे को नहीं, वो उस ताकत पे उन्होंने हाईकोर्ट में कर लिए थे, फिर भी मैं हाईकोर्ट में द्वारा जो कानून में किया गया वो गलती है करके फिर भी द्वारा मैं अपील किया, ये अपील का रिजल्ट में दिए जो तुम्हारी दूसरी कंप्लेंट डाले हैं उसको सैंक्शन नहीं चाहिए, कोर्ट के सामने एज इट इज़ तुम्हारा केस लिया जाएगा, लेना चाहिए करके कोर्ट को डायरेक्शन देते हुए, यानी जो ACB लोकायुक्त सेशन जज को देते हुए ऑर्डर पास किए थे। अभी इसी टाइम पे 3 दिन के पहले मुरुगेश आर निरानी जी को मिनिस्टर बनाए गए, अभी पुलिस मिनिस्टर बनेंगे या इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे मेरे को हक नहीं मिलेगा और मेरे को इन्हों कोर्ट तक भी आने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक जो BS येडियुरप्पा हैं वो खुद भी प्रोटोकॉल के साथ कोर्ट में आके नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में नेक्स्ट अगला स्टेप इसका ये होगा कि भाई इसको कॉग्निजेंस ले, उसके बाद चार्जेस फ्रेम करें, चार्जेस के टाइम में पुलिस कस्टडी या ना जुडिशियल कस्टडी को लियो, यही कानून होना चाहिए जैसा होगा उस टाइम पे, ये कानून के वजह से कानून के टाइम पे मेरे को मुश्किल आएगी, क्योंकि इन्हें चीफ मिनिस्टर रहेंगे और इन्हें होम मिनिस्टर बन के रहेंगे और या इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहेंगे, किधर भी मेरा हक नहीं होगा और जो हॉनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, इसलिए मेरी अपील है ये लोगों को, मेरा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ये लोग एज इट इज़ अभी तुरंत चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दें, यानी इंडस्ट्री जो मिनिस्टर बन रहे हैं अभी, ये मिनिस्ट्री से इस्तीफा दें, इन्हों ये चीज से निकले अपना काम करके मेरे को ये केस में इन्हों जीतने के बाद, और उसके बाद फिर भी तुरंत उन्हों वापस आ सकते हैं, यही मेरा रिक्वेस्ट होगा। अभी जेल में डालेंगे, फ्रॉड में क्या किया हूँ, जो पेपर में इन्हों ही लिख लेते हैं, एक ऊपर इनिशियल का बिल डाल लेते हैं, ये एडिशनल राइटिंग हो गई एप्लीकेशन में करके बोल के केस डालते हैं, उसका कानून देखेगा, मैं फ्रॉड किया रहा, ज़मीन मेरी है, जो पहले मेरी ज़मीन आती वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तरफ होके मेरे को अलाट हुई, वो भी मेरे को 2011-12 से इन्हों दिक्कत दे रहे हैं, और दूसरी जो ज़मीन देवनली में है वो ज़मीन वहाँ होती, फ्रॉड का मतलब नहीं, तुम्हें मिनिस्टर बनना है क्या, नहीं, चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी होना है क्या, नहीं, मेरी कोर्ट में मेरे को जाके इंसाफ मिलेगी मैं जाना है क्या, नहीं, क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर सही है अभी दिए हैं वो हाईकोर्ट का ऑर्डर को आप फेस करेंगे क्या, नहीं, इतना ही सवाल है अभी, फ्रॉड चीटिंग जो भी बोलते हैं वो उन्हों अपना गवर्नमेंट है अपना चीज़ है, 14-15 DSP को एक ही बार भेजते हैं, मैं मेरे ऊपर वो उसको कुछ भी नहीं है, मुझे क्या जो डालने दो, मैं फ्रॉड किया रहा तो उसकी सज़ा मिलेगी, तुरंत कानूनी तौर से जो गवर्नर साहब इनको सैंक्शन नहीं दिया प्रोसिक्यूट करने के लिए, वही गवर्नर का परमिशन नहीं चाहिए करके हॉनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है, सैंक्शन नहीं चाहिए प्रोसिक्यूट करना करके, तब उस गवर्नर हॉनरेबल एक्सेलेंसी गवर्नर से शपथ लेके जो मंत्री बने हैं वो गलत हो सकता है, जब तक ये कोर्ट का इंसाफ ना हो, ये कोर्ट का फैसला ना हो, मेरे हक में हो या ना हो, हाईकोर्ट हॉनरेबल क्या बताइए, इसी तरीके पर ACB कोर्ट की पूरी कार्रवाई होना है, कार्रवाई में कॉग्निजेंस चार्जेस ट्रायल तमाम होगा, तब तक इन चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनके इसको फेस नहीं कर पाएंगे, या वरना आज के डेट में
15 तारीख जनवरी 21 में सुप्रीम कोर्ट हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी नहीं है, तो इसलिए यू नो इस डेट में हॉनरेबल एक्सेलेंसी गवर्नर से जो शपथ लेके सीएम मिनिस्टर बने वो गलत है, यानी मेरे लिए बहुत धोखा है, कानून के लिए धोखा है। फिर भी वही होगा जो 2011 से होके नाहक किए, वही नाहक अभी होगा। इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई यू नो अभी तुरंत इसको इस्तीफा दें, चीफ मिनिस्टर साहब भी इस्तीफा दें, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट इसमें बैठे, फिर भी कौन सी भी गवर्नमेंट उनकी पावर है, इन्हों करना है दूसरों को बिठाएं, इन्हों बैठे गवर्नमेंट से मुझे मतलब नहीं है। ये मेरा अपील है सरकार से, पब्लिक से, गवर्नर से, हॉनरेबल होम मिनिस्टर से, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से।